Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Namaskar, welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, बिग बॉस 14 खत्म हो चुका है फरवरी महीने में, तो लेकिन बिग बॉस 14 के जो कंटेस्टेंट है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर छींटाकछी करते रहते हैं और एक दूसरे की चुटकी लेने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हुआ। तो आपने देखा था कि कैसे दो खबरें आई थी, पहले तो राहुल कृष्ण वैद्य सलमान खान ने जो ई बाइक दी थी उनको, तो उसके ऊपर ऐसे मजे से बाइक की सवारी करते हुए बाइसाइकिल की दिखाई दिए और उनकी फोटोज काफी वायरल हुई। तो वहीं पे निक्की तंबोली जो सेल्फ क्वारंटाइन है कोविड-19 की वजह से, तो उन्होंने भी बहुत देखी, तो उन्होंने राहुल कृष्ण वैद्य की चुटकी ली इसके ऊपर और टांग खींचते हुए कमेंट किया और फिर जो है उन्होंने ये बोला कि बुरा ना मानना, होली है। तो निक्की तंबोली क्या लिखती है वहां पे, तो ये मैं आपको ट्वीट शेयर करता हूं। ओह, दिस इज न्यू, नाउ सेल्फ स्पॉटिंग इज डन इन योर ओन बिल्डिंग, विच आई कुड वेव एट द पापाराजी फ्रॉम माय विंडो टू ना, वेल दे विल स्पॉट मी आउट एंड अबाउट एनी वे। यानी कि प्रेस फोटोग्राफर्स को अभी तो घर पे ही बुला लिया आपने कि वहीं पे घर पे ही आके आपके वो जो है आपकी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। ये कमाल है, ये नया आइडिया आपका राहुल वैद्य, ऐसा कुछ निक्की तंबोली कहती हुई नजर आई और कहा कि काश मैं भी अपनी विंडो से उनको ऐसे टाटा वाई वाई कर देती। फिर बोली कि नहीं कोई बात नहीं, वो मुझे बाहर ढूंढेंगे, बाहर देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कोविड-19 से रिकवर होकर जब बाहर जाऊंगी तो फिर ये ऐसा होगा। तो ऐसा एक ट्वीट उन्होंने निक्की तंबोली ने किया और फिर नीचे उन्होंने लिख दिया कि बुरा ना मानो, होली है। तो अब होली के मौके पे कौन कौन किसको क्या क्या ट्वीट करता है ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। तो निक्की तंबोली के इस ट्वीट का को लेकर ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्वीट शरारत भरा ट्वीट था कि कोविड में कोरोना होने के बावजूद भी घर पे बैठी हुई ऐसी शरारतें कर रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये आदमी की अंदर की लाइफ कंडीशन को बताता है। तो आपका क्या कहना है निक्की तंबोली के बारे में, इस खासकर इस ट्वीट के बारे में, कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।